हेलो डियर व्यूअर्स, सो चल रहे हैं आज काफ़ी टाइम बाद आउटिंग पे। ये हमारे आगे बैठे हैं सम्राट भाई, अपने रैपर बॉय। और अब भाई हमने एक ब्लॉग चैनल भी चालू कर रहे हैं, तो आज कुछ अपना भी एक्सप्लोर करेंगे, भाई भी कुछ अपना एक्सप्लोर करेंगे, दोनों मिलके कुछ करते हैं बढ़िया। बाकी देखते हैं बाबू कैसी मर्जी रहती है, देखते रहिए, बने रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, जिंदगी रहे किसी बात की। बाइक से जाने का ये कहा जा रहा है, नो ट्रैफिक नो टोल, अपना साइड से निकल जाओ, गोलम गोल। अभी यहाँ हाईवे पे हैं, ये अपना मुरादाबाद का एयरपोर्ट है। अभी तैयारी चल रही है, यहाँ पूरा मामला रेडी नहीं हुआ है। इसमें कितना टाइम लग जाएगा, अभी कोई आइडिया? आइडिया भैया अप्रैल मार्च में। जिला कारागार रामपुर, चलो जेल रोड का आइडिया बढ़िया मिल गया। तो ये जो आप बड़ा बड़ा देख रहे हैं, ये वो जो हम देखने आए हैं। तो लॉकडाउन से ही बंद हुआ पड़ा है, क्या होता है वैसे? भूगोल की जो चीजें हैं वो बताइए आपको, स्पेस की जगह दिखाएंगे, स्पेस में जितने भी तारा मंडल में जो भी होता है। आपको साइंस में अगर इंटरेस्ट है और आप इस एरिया के आसपास रहते हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही एक बिल्डिंग है, ये सामने भी है, ये भी है। हाँ जो भी भैया पढ़ने वाला बच्चा है वो ही आए यहाँ पर। हाँ चाहे थ्योरी में बड़े इंटरेस्ट ना हो लेकिन प्रैक्टिकली आपको जरूर इंटरेस्ट होना चाहिए। हम तो पढ़ाई से बहुत दूर है बिल्कुल, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ये भूगोल वाली बिल्डिंग का एंट्री गेट है, एस्ट्रोनॉमी गैलरी। भैया यहाँ पे एंट्री वगैरह कुछ कब खुलने का आइडिया है? कुछ अभी कोई क्लियर नहीं है, कोई डेट नहीं है। तो क्या एंट्री फीस रहती है यहाँ की वैसे? 25। चाहे आप अकेले आओ या साथ में आओ, 5 टिकट लेनी जरूरी है तब जाके शो चालू होगा। लेकिन 25 रुपए की मैं एक जने के हिसाब से बहुत बढ़िया है, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। टेलीस्कोप आसानी से देखने को नहीं मिलता है यार, यहाँ पे आपको 25 रुपए में इतना सब कुछ मिल रहा है टेलीस्कोप से देखने को और यहाँ लैब में प्रैक्टिकल देखने को। तो कभी यहाँ आओ, आसपास से निकलो तो यहाँ जरूर आना। ये रामपुर की मेन मार्केट है और ये किला अभी तक हम इतना घूम लिया, अभी भी चल रहा है, देख रहे हो भाई साहब। ये है जी एंट्री गेट, यहाँ लाइब्रेरी पे आ गए हैं, अभी चलते हैं अंदर। जगह अच्छी है, थोड़ी एंशियंट है, आर्किटेक्चर अच्छा है, कुछ अंदर वेपन्स वगैरह नाइफ्स वगैरह हैं जो थोड़े एंशियंट हैं, भाई ने अपने कैमरे में कैप्चर करे हैं। मेरा तो खैर गोप्रो रखवा लिया था यहाँ। मुगलों की यहाँ पर जो कारीगरी है वो दिखाई दी है और बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने बनाया था बहुत पहले। हम तो होंगे नहीं, हमारे बाप दादे भी नहीं, पर उस टाइम के जो लोग होंगे उन्होंने कितनी मेहनत से ये बनाया होगा, वो आप एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इट्स काइंड ऑफ अ लाल किला या ताजमहल की आदत, ताजमहल थोड़ा ज़्यादा बारीकी से नक्काशी करी गई है, लेकिन ये भी हाँ आर्किटेक्चर लगभग उसी तरीके का है, मुगल टच थोड़ा। ये कलामपुर में अंदर लेक सी है, यहाँ पे आए थे हम, बट अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ भी नो एंट्री। आज 30 जुलाई के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ, 30 जुलाई से लेके अब तक घर पे ही था। अपने कुछ काम से निकल रहा था घर से, तभी रोड पे जाते हुए एक गड्ढे में बाइक गिर गई और मेरे एंकल से ऊपर की टीबिया और फिबुला बोन दोनों फ्रैक्चर हो गई। तब से लेके अभी तक घर पे ही था। आज भाई अपने सम्राट के साथ निकला तो साथ में ये भी ले आया, पहले आपको डी स्केल की फ्लूट आपको बजा के दिखाई थी, अब घर पे बेड रेस्ट के टाइम कुछ अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत ये फ्लूट भी सीखी है। ये ई स्केल की फ्लूट है, सबसे हैवी फ्लूट यही होती है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि इसमें फिंगर सेट होने में बड़ी टाइम लग जाता है, इसके होल्स के बीच में गैप काफ़ी हैं। तो मेरी 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी अभी जस्ट नॉर्मल स्टार्टिंग ही है, तो देखते हैं एक बार, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
बाकी एक छोटी सी ट्यून मैंने और बनाई है घर पर बैठे बैठे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो अगर आपको भी कुछ मैच लग रहा है तो मुझे बताना ताकि मैं सही हूँ, मुझे भी पता चले, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट सा हूँ, ज़्यादा मिलता जुलता किसी को नहीं हूँ, बस आप लोगों से ही बातें होती हैं ज़्यादातर, दो चार और दोस्त यार हैं, तो इसलिए आप लोगों का फीडबैक काफ़ी मैटर करता है। कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश? बाकी और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे बढ़िया होगी तो और कुछ बढ़िया से करेंगे। आज घर से बाहर निकला हूँ तो इतने टाइम का जो अंदर ब्लॉगर छुपा बैठा था वो सब बाहर आ रहा है। बाकी अभी डॉक्टर की फाइनल चिट तो नहीं मिली है, बाइक वाइक चलाने में भी अभी कुछ टाइम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि महाशिवरात्रि से मेरी कुछ बढ़िया शुरुआत रहेगी। देखते हैं, वो कहते हैं ना कुछ हमारी मर्जी या मजबूरी होती है, हमारी चाहतें होती हैं, बाकी कुछ ग्रहों का खेल होता है, तो नवग्रहों का खेल क्या दिखाता है, बाकी मैं अपनी लगन में कितना रह पाता हूँ भोलेनाथ की क्या मर्जी रहती है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, और अब शुरुआत कुछ बेहतरीन होने वाली है। ये व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अपनी इन बेड रेस्ट के दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी हैं, और वेबसाइट जो मेरी पहले भी थी divinetravelalone.com उस पर मैंने एक सिंगल पेज बना रखा था, बाकी कुछ कंटेंट नहीं डाला था, लेकिन अभी मैंने उसे घर बैठे बैठे थोड़ा बहुत डेवलप करा है। हालाँकि करना बहुत कुछ चाहिए था लेकिन थोड़ा लेजीनेस के कारण मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, बट आप जाके देखना, बाकी वेबसाइट धीरे धीरे और ग्रो होती रहेगी। बस अब जहाँ तक मुझे लग रहा है महाशिवरात्रि आ रही है अपनी 1 मार्च को, तब से लेके सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा और ब्लॉग भी आते रहेंगे, वेबसाइट भी अपडेट होती रहेगी, तो सही समय आने का देर है बस। तो जल्दी मिलते हैं आपसे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाकी उनका ध्यान करिए। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।